बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान। बंदरों को पकड़वाने के लिए ग्रामीणों ने प्रार्थना पत्र देकर प्रशासन से की मांग। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव बीरपुर थान में बंदरों का इतना अधिक प्रकोप बढ़ गया है कि सभी गांववासी परेशान हाल हैं। आए दिन बंदर गांव की महिला और पुरुष व बच्चों को काट खाते हैं, जिसमें गांव बीरपुर में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही वन विभाग अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते आज वीरपुर थान के गांववासियों ने एकजुट होकर बंदरों के प्रकोप को बढ़ता देख जिलाधिकारी को लिखित रूप में विरोध जताते हुए शिकायत पत्र देकर बंदरों को पकड़वाने की मांग की है। ग्रामीण निवासी शाकिर हुसैन ने बताया कि बंदरों के आतंक से गांववासी तो परेशान हाल हैं ही, लेकिन यहां के किसानों की खेती को भी पूरा नुकसान बंदर पहुंचाकर नष्ट कर रहे हैं, जिसमें आज सभी गांववासियों ने एकजुट होकर मुरादाबाद जिलाधिकारी को लिखित रूप में शिकायत कर विरोध जताकर जल्द से जल्द बंदरों को पकड़वाने की मांग की है, जिसमें अब देखना होगा कि ये बंदर इसी तरह गाँव में आतंक मचाते रहेंगे या जल्द ही इनका कोई निस्तारण मुरादाबाद प्रशासन निकालता है, या यूं ही कोई ना कोई गांववासी बंदरों का शिकार होते रहेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? भूरे। अच्छा भूरे जी, आप क्यों शिकायत कर रहे हैं गांव में? हाथ भी टूट गई और वैसे भी चोट मेरे बहुत लगी हुई है, बहुत बड़ी परेशानी है बंदरों से। लगभग कितने बंदर हैं आपके गांव में? 150 बंदर। आपके अलावा कई लोगों को किन किन लोगों को काटा है? हमारे घर में किसी वन विभाग अधिकारी से शिकायत की है आपने? जहाँ डॉक्टर आपसे इलाज कराने के लिए लेके जाते हैं तो डॉक्टर क्या बताते हैं वहाँ? क्या चाहते हो आप? अब कोई अधिकारी अब तक आए अपने गांव में? तुम्हारे कोई अधिकारी नहीं आया, मतलब पूछा भी नहीं है। मतलब बंदर कितने कितने बंदर पकड़ जाने चाहिए? बंदर पकड़ने चाहिए, मतलब बहुत नुकसान कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर हुसैन है। शाकिर भाई, आज आपने गांव में विरोध जाहिर किया है और लिखित रूप में DM साहब को शिकायत भी किया है, क्या है पूरा मामला? मामला पूरा ये है कि मैं बीरपुर थान निवासी हूँ, जो कि मुरादाबाद में पड़ता है। यहाँ पर बंदरों का बहुत आतंक फैल चुका है। बंदरों आए दिन कोई हादसा कर जाते हैं, बंदरों से आए दिन छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बच्चों को काट भी रहे हैं, और अगर बच्चों बंदरों को मारने के लिए अगर हम जाते हैं तो बंदर थोड़ा अपनी उसमें हल्की दिखाते हैं। कई लोग ऊपर छत पर से गिर गए, जिनकी बाँव टूट भी चुकी है और पसली भी टूट चुकी है कई सारे लोगों की। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारा DM साहब से अनुरोध है कि यहाँ पर एक वन विभाग से कोई टीम भेजें और बंदरों को पकड़वाने की कोशिश करें। अच्छा, ये पहली बार आप शिकायत कर रहे हैं या इससे पहले भी कभी शिकायत की है अधिकारियों से? शिकायत की है, लिखित में शिकायत की है, लेकिन कोई आदेश यहाँ होता नहीं। अब हमारे जो क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य, हमने इनसे शिकायत करी है ये कि भाई आप भी कुछ करिए। अनिल चौधरी से कहा है कि आप भी कुछ करिए, यहाँ पर हमारे बंदरों को पकड़वाने की कोशिश करिए, ताकि हम जो है कुछ आराम महसूस करें। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत आतंक बंदरों का फैल चुका है हमारे यहाँ। अच्छा, कितने लोगों को बंदरों ने काट चुके हैं? बंदर लगभग लोग तो बहुत हैं, लेकिन 20-22 लोग तो मेरी नज़र में है जिन लोगों को बंदरों ने काटा है, जिनके इंजेक्शन भी लगाए हैं मुंडा पांडे अस्पताल में। लगभग काट चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से काट चुके हैं। अभी हमारे एक और अभी फ़िलहाल में जो मास्टर हारून है, उनकी पत्नी है आसमा बेगम, उनको भी बड़ी बुरी तरीके से बाँव में काटा है, जो उनकी बाँव क्षतिग्रस्त हो गई है। उनके भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हमारी खुद भतीजी को काटा है। यहाँ पर हमारे ऊपर भूरे चचा हैं, उनको भी बुरी तरीके से काटा भी है। बंदर छतों पर से गिरा भी रहे हैं। आए दिन माहौल मतलब जो है बुरा हाल है हमारा यहाँ पर। किस तरीके से आश्वासन अधिकारी देते हैं बंदरों को पकड़वाने आप शिकायत करते हैं तो? मतलब यही है कि ठीक है, हम जो है कोशिश करते हैं और आपको जो है बंदर को पकड़वा लेंगे, यहाँ पर बस यही करते हैं। और कभी अभी तक इसका कोई रिजल्ट हमें मिला नहीं।